बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। डियर स्टूडेंट, आई एम मुनव्वर अनवरी, योर सब्जेक्ट टीचर फॉर हिस्ट्री क्लास 6। डियर स्टूडेंट, इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर कोर्स वर्क, टुडे वी आर कवरिंग पेज नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 1, आवर कंट्री इन द वर्ल्ड। सो इन प्रीवियस क्लासेस वी कवर्ड the topics plains, deserts, lakes and rivers, and today's topics are estuary and deltas। so we first of all talk about the estuary। jo estuary jo hote hain beta, this is where important rivers widen as they enter the sea। estuaries can make good harbor for ships। अच्छा, एस्टोरीज यानी कि वो प्लेस होता है, वो जगह होती है सतह ज़मीन की जिधर दरिया जो है यानी कि समंदर में सी में जाकर मिलता है, तो उधर जो है उसका इलाका जो है वो कुशादा हो जाता है और बड़ा हो जाता है और पानी की गहराई भी बड़ी हो जाती है, और ज़्यादातर वो बंदरगाह होता है और ज़्यादातर उधर जो है यानी कि शिप्स जो है वो फ्लो करते हैं पानी में, क्योंकि वहाँ पर जो ऊनाई जो होता है पानी का जो डीपेस्ट, वहाँ पे देयर इज़ अ डीपेस्ट पॉइंट इन द एस्टुरी प्लेस, तो उधर डीपेस्ट पानी जो है वहाँ पर होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद है हमारा डेल्टा। तो डेल्टा आपने पहले भी काफ़ी दफ़ा सुना होगा, और यकीनन डेल्टा जो है डेल्टा समटाइम्स व्हेन अ रिवर इंटर्स दी सी, यानी कि कभी कभी ऐसे होता है कि आपकी जो दरियाएं जो हैं वो आपका रिवर्स जो होते हैं वो फिनिश होते हैं आपकी समंदर में जाकर, तो इट ब्रेक्स इनटू मैनी स्मॉल रिवर्स आर चैनल्स इन वी शेप। तो वी शेप के अंदर यानी कि वो सारे दरिया जो रिवर जो होते हैं जिधर वो समंदर में ख़त्म होने जा रहे होते हैं, तो उधर मुख्तलिफ चैनल्स बन रहे होते हैं पानी के, यानी कि हमको उनको ट्राइब्यूटरीज भी कहते हैं, यानी कि हमारा जो रिवर आ रहा होता है जिधर वो समंदर में मिल रहा होता है, तो उस सतह ज़मीन पर जो है उसकी मुख्तलिफ जो है मतलब वो वहकरे बनते हैं, और छोटे छोटे वहकरे जो है मुख्तलिफ जो है शेप्स में बहकर आकर वो समंदर में मिलते हैं। द लैंड हेयर कैन बी वेरी फर्टाइल, और यहाँ की ज़मीन जो है वो बिल्कुल जो है सरसब्ज ग्रीन होती है, बिकॉज ऑफ द मट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर, यानी कि उधर जो रिवर दरिया पूरा साल बहता है, तो उधर जब वो एंड होती है तो उधर जो है यानी कि पूरी दरिया की जो मट्टी होती है सॉइल है वो वहाँ पर लेके आता है, जो बहुत एक ताकतवर मट्टी होती है और फर्टाइल मट्टी होती है। बट इट इज़ also very liable to flooding, यानी कि ये कभी कभी जो है यानी कि जब दरियाओं के अंदर बड़े बड़े जो है वो फ्लड्स आ जाते हैं और दरियाओं में तोगियानी होती है, और यानी कि वो बहुत पानी से भरे हुए होते हैं, तो जब ये पूरे तरीके से समंदर में जाकर मिलता है दरिया वो फ्लड वो तोगियानी पानी का, तो उसका जब एंड हो जाती है तो उसके बाद जो मट्टी जो है सॉइल जो सेंड होती है वो दरिया में उसके बड़े बड़े जो है वो डंस बन जाते हैं, दड़े बन जाते हैं, और फिर जो है वहाँ की मकामी लोग जो है टेरिटोरियल लोग जो है उसको कल्टीवेट करके और उससे जो है यानी कि फसलें जो है वो करते हैं, क्रॉप्स करते हैं और वहाँ की ज़मीन को इरीगेट करते हैं। ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर का बकाया जो फेयर वर्क है वो मैं आज आपको सेंड कर देता हूँ, वो आप लिख देना, और इंशाल्लाह ताला होमवर्क भी आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा, और आपका जो है अगला चैप्टर होगा वो चैप्टर आपका होगा चैप्टर नंबर 2, वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है बेटा, वेदर एंड क्लाइमेट। तो अगले वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आपके लिए ये भी होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को यानी कि वेदर एंड क्लाइमेट को यहाँ से लेकर और यहाँ तक यानी कि 9 पेज जो है फर्स्ट पेज चैप्टर नंबर 2 का, इसकी आप कम्प्लीटली रीडिंग करेंगे। ठीक है बेटा। और वेदर और क्लाइमेट के बीच में जो डिफरेंशिएट है, जो इसके बीच में जो इस डिफरेंशिएट है उसको वाजे करके आप होमवर्क के शेप में राइट करेंगे।
ठीक है, कि वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है, वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेज नंबर 9 पढ़ेंगे और उसके बाद आप जो है यानी कि बनाए राइट करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह ताला अगले दिन हमारा वीडियो इस टॉपिक पे होगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम, सी यू टुमारो।